Hello students, good morning everyone. So how you people are doing? Good morning Kushal. और कौन कौन present है एक बार जल्दी से बता दीजिए. Who all are present over here? कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट है? और तो जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. ओके, सो हमारी इकोनॉमी करंट अफेयर्स की क्लास है और आपको जैसे बहुत सारे हमने करंट अफेयर्स करे भी थे तो पहले हम सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को खत्म करेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, दिस इज अ लिंक टू आवर टेलीग्राम चैनल. अगर आपने अभी तक लिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक को ज्वाइन कर लीजिए. एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड द ज्योग्राफी का जो पहला टेस्ट था, कितने लोगों ने अटेम्प्ट करा है वो टेस्ट? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया अभी तक वो टेस्ट? सो काफी कुछ तो वैसे हमने कर लिया था, हाथ ही निकल गया था, पूछ रह गई थी, है ना, सॉर्ट ऑफ टाइप्स था. सो दिस वाज वी हैव ऑलरेडी डन. आईआरडीए भी कर लिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव मेडिएशन, एफसीआरए ये नहीं किया, यहाँ से करना है, एफसीआरए से, है ना, एफसीआरए से ही करना है, कहीं और से करना है भाई? एफसीआरए से ही करना है या किसी और से करना है? थोड़ी ब्राइटनेस कम करा देते हैं और बताइए. एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं हो रहा, फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन होगी एप्लीकेशन में, उसको सेस कर लो. चलो वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यहीं से डिस्कस करना है ना यार, इतना तो बता दो, इतना तो बता दो, यहीं से डिस्कस करना है कहीं और से डिस्कस करना है? देख लेंगे. सो एफसीआरए, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो थी, बेसिकली ये आपकी कोई नई एक्ट नहीं है, ये 1976 की एक्ट है और इस एक्ट को 2010 में अमेंड किया गया था. किसके लिए थी? ताकि फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट किया जाए. किसके लिए थी? ताकि फॉरेन रेगुलेशंस, जो भी फॉरेन से पैसा आता है उसको जो है डोनेशंस को रेगुलेट किया जाए. और ये देखा जाए, क्योंकि बहुत बार ना ये देखा जाता है कि कई बार जो फॉरेन से पैसा आता है वो हथियार खरीदने के काम आता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो फॉरेन से पैसा आ रहा है उससे हथियार खरीदे जा रहे हैं? सो इसी के लिए एफसीआरए एक्ट को जो है अमेंड किया गया था. सो इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ ग्रुप्स बताए हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स, कौन कौन से एनजीओ जो है वो पैसा ले सकते हैं, ये चीज बताई गई. So, इसके अंतर्गत इन्होंने बोला है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कोई भी आपके पास एसोसिएशंस हैं वो, कोई ग्रुप्स हैं वो, कोई एनजीओज हैं वो, ठीक है, जो कि फॉरेन डोनेशंस रिसीव करते हैं उनके ऊपर रेगुलेट होगा ये, मतलब ठीक है. सो उनके ऊपर ये लागू होगा. सो इसमें इन्होंने कुछ प्रोविजंस बताए हैं कि कौन जो है इनको नहीं ले सकते, हु कैन नॉट रिसीव द फॉरेन डोनेशंस. तो कौन कौन नहीं ले सकते? एमएलएस,
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, मीडिया के पर्सन ये सब नहीं ले सकते। ये अमेंड किया गया था 2010 में। अब क्या हुआ, 2017 में फिर से इसको अमेंड किया गया और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इनको ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इनको ऐड करा गया, लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज रखा गया। क्या क्लॉज था, कि जो ऐसी किससे पैसा ले सकती हैं, जो सब्सिडरीज हैं इनकी उनसे पैसा ले सकती हैं। ये हमने ऐसे न्यूज़ कर ली थी, मुझे याद आ गया, आई हैव एक्सप्लेन यू दिस न्यूज़। सब्सिडरीज मतलब ये लगा लो कि माइक्रोसॉफ्ट इज इन यूएसए, है ना, हेड ऑफिस इज इन यूएसए, बट उसका यहाँ पे भी एक ब्रांच ऑफिस है, सो वहाँ से ये पैसा ले सकते हैं। एनीवेज वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक, तो एटलीस्ट इस न्यूज़ आइटम को कंप्लीट करेंगे। सो जो भी रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, लेकिन जो भी एनजीओज यहाँ पे पैसा लेंगे उनको अपने आप को इनके अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी वो पैसा ले सकते। पहले जो रजिस्ट्रेशन थी 5 साल की थी और उसके बाद उसको रिन्यू किया जा सकता था। अगर कोई भी जो है पर्सन, यू कैन से व्हाट इज़ देयर, कोई पर्सन जो है वो इसको रिसीव कर रहा है तो उसको किया जा सकता है रिन्यू 5 साल के बाद, लेकिन 5 साल तक का कार्यकाल है कि 5 साल के लिए वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ले सकते, राइट। पर्पस क्या है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस का, आपको भी पता है इंडिया के पास इतना पैसा तो है नहीं है भाई, इंडिया इज डेवलपिंग नेशन, सो इससे क्या होगा, वो उस यूजफुल पैसे को सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। सो यहां तक किसी का कोई भी डाउट है, एंड दोज पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो प्लीज डू लाइक द वीडियो। यहां तक किसी का कोई डाउट है, यार आज आप लोग की एनर्जी कहां गई। सो अभी जो हमें यहां से स्टार्ट करना था, दिस ऑल वी हैव डन। यहां से करना है भाई, एनर्जी कायम है या सब एनर्जी चली गई है। टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया क्या, यार आई कैन नॉट सेंड द नोटिफिकेशन ऑन द टेलीग्राम। आप लोगों में एनर्जी है या बची हुई है या नहीं है, जो लोग देख रहे हैं एटलीस्ट एक बार मैसेज तो कर दो, हु ऑल आर वॉचिंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग मोशीन। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। What is their National Cooperative Development Corporation? नाम से पता लग रहा है कि क्या है ये, कोई एक बॉडी है। इस बॉडी का काम क्या है वो भी हम देखेंगे। सो जो नेशनल कोऑपरेटिव, आपका नाम से पता लग रहा है, डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन है। कॉपरेटिव का मतलब क्या होता है, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है बेसिकली कि कॉपरेशन के साथ कहीं पे काम कर। ये इसलिए कुछ न्यूज़ में थी क्योंकि इसका जो कुछ फंड था, जो स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के लिए जो था पैडी प्रोक्योरमेंट के टाइम पे, उसको इसने रिलीज़ किया है। ठीक है, जैसे होता है ना कि एमएसपी पे चीज़ें खरीदते हैं जब भी किसान, एमएसपी सबको पता है क्या होता है, व्हाट इज़ एमएसपी,
जब भी एमएसपी पे चीजें खरीदी जाती हैं, सो व्हाट हैपन ना कि उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी तो रिलीज करनी होती है. सो इसने क्या किया, उन इंस्टॉलमेंट्स को रिलीज किया, राइट. सो यहाँ पर ये जो कमेटी है ये क्यों बनी थी, क्या किया है इसने, वो हम इसके वर्क्स में देखेंगे कि इसका काम क्या है. बट अभी आपके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ये बॉडी है किस टाइप की. सो दिस इज व्हाट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नाम से पता लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये अंदर आती है. इसका मतलब क्या है कि जो एमएसपी हैं उनसे डीलिंग इसका कुछ काम है. इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, मल्टीपल रीजनल ऑफिसेस हैं. काम क्या है, काम है प्रोडक्शन संबंधित प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इन सब चीज़ों का जो होता है ना एक तरह से कोऑपरेटिव तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में सर्वेक्षण करना, ठीक है. सो प्लानिंग करना एंड ऑल करना, ये इसका काम, राइट. उसके बाद एग्जैक्टली मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण ही तो किसान जो है स्ट्राइक पे हैं कि भाई इसको लीगलाइज कर दिया जाए. मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, जैसे कि मान लो ये पैडी की फसल है और इट इज राइस और पैडी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ये जो राइस की फसल है, अगर मान लीजिए कि एक साल ऐसा हुआ कि जब मॉनसून्स अच्छे थे, बारिश अच्छी हुई, बारिश अच्छी हुई तो क्या हुआ, सप्लाई अच्छी हुई, पैदावार भी तो अच्छी होगी ना, मॉनसून अच्छे हैं, सप्लाई गुड. अब अगर बम्पर सप्लाई है, बिकॉज इन दिस केस द सप्लाई विल बी व्हाट, बम्पर. सो जब बम्पर सप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्राइजेस जो हैं वो घट जाएंगे. तो बेचारा फार्मर यहाँ पे उसको जो है क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना. इसीलिए सरकार उनको बोलती है कि ठीक है भाई, ऐसे केस में जब प्राइजेस आपके घट जाएं, यू कैन कम एंड यू कैन सेल टू अस. सो दिस प्राइस इज नोन एज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सेकंड, अगर मॉनसून अच्छा नहीं है, मॉनसून इज नॉट गुड, सप्लाई कम होगी. सो व्हेन सप्लाई विल बी लेस, व्हाट विल हैपन, प्राइजेस कम हो जाएंगे, सॉरी प्राइजेस बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे. सो मार्केट में उसको ज्यादा अच्छा दाम मिल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार को कुछ चीजें जो हैं उसको प्रोक्योर करना रखने पड़ेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज रनिंग व्हाट, पीडीए सिस्टम. सो यहाँ पे जिस प्राइस पे ये अपने पास प्रोक्योर रखेंगे उसको बोला जाएगा प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है. ये सिर्फ बेसिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर पार्ट में, राइट. सो यहाँ पर इन सब की जब किस्तें होती हैं, देने की बात किसके द्वारा की जाती है, प्रोक्योरमेंट, मतलब ये किस्तें किसके द्वारा रिलीज की जाती है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राइट. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, अभी इसने एक रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया है, दैट इज मिशन सहाकर 22. जो मिशन सहाकर 22 है, इसका एम क्या है, इसका एम जो है ये है कि फार्मर की इनकम को डबल करने में मदद करनी. एंड स्कीम दूसरा है, स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, SIP, इसे को ही नाम दिया गया है सहाकर मित्रा, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, फार्मर की इनकम को, मतलब एमएसपी को बढ़ाने की बात, किस तरह से फार्मर और ज्यादा क्रॉप जो है उसको उगा सकता है, उसकी बात करी जाएगी. सो यहां तक किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, गुड मॉर्निंग नितेश, गुड मॉर्निंग गणित. सो यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो, एनी डाउट टिल हियर,
भाई किसी का कोई डाउट है यहां तक? वही तो यार, उसको लीगलाइज कर लो ना एमएसपी को, सब बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा। बेचारे वो भी घर जाए अपने, कितने टाइम से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, है ना? आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जाने दो ना यार, बात मान के खत्म करो। बट डू यू थिंक सरकार बात मानेगी? इट हैज बीन लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। गुड मॉर्निंग सुमित। अच्छा, इससे पहले वाली जो न्यूज आइटम थी ना, उसके ऊपर मैंने स्पेशल सेशन लिया था, इसीलिए मैंने कवर नहीं कराया। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, इससे संबंधित मैंने स्पेशल सेशन लिया था, एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव अटेंडेड दैट। किसी को कोई डाउट है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में? किसी का कोई डाउट है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में? है किसी का कोई डाउट? है किसी का कोई डाउट बताइए। तो किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। एक काम करो, जल्दी से एक बार इसको रीड कर लो, किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लेना। वैसे हमने इसको स्पेशल सेशन में कवर किया था, फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है यू कैन आस्क। स्टूडेंट्स जल्दी से एक बार इसको देख लो, किसी का कोई भी डाउट रह गया तो इसमें मुझसे पूछ लेना। वैसे आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ आज प्लास्टिक इकोनॉमी का ले लूँ आर्टिकल, देखती हूँ। वैसे आई हैवंट सीन टुडेज न्यूज़पेपर। मैम व्हाट इज एजुकेशन फॉर आईएएस ऑफिसर? मतलब यू आर आस्किंग सौरभ अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एन आईएएस ऑफिसर, सो यू नीड टू बी ग्रेजुएट, दैट्स इट। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया कोई वो मैटर नहीं करता। स्टूडेंट्स जल्दी से रीड कर लो, इसको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। And those people who are watching the video, please do like the video, do share the video with your friends. आगे बढ़े। अरे यार सुबह सुबह ना कुछ खा के नहीं आते, तो इस टाइम तक भूख लगने लग जाती है, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लास होती है एप्लीकेशन की,
सो आई नीड टू लीव बाय 7:15, तब तक कुछ मन नहीं करता, तो फ्रूट्स ले आते हैं. नाइस क्वेश्चन. चले, ये सारा केस तो मैंने आपको समझाया था, वोडाफोन, ठीक है, कैरन का केस, वही केस है. जल्दी से एक बार पढ़ लो. वही आई एम प्लानिंग कि एक बार चेक कर लूंगी कौन सा एडिटोरियल आज आया है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्लास ले लेंगे. ठीक है, क्योंकि आजकल तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स में भी कुछ खास एडिटोरियल आ नहीं रहा इकोनॉमिक्स पे बेस्ड. ज्यादातर जो आता है वो सोशल इश्यूज पे बेस्ड आता है. मोशिन, यू आर डन विद योर एग्जाम्स. चलिए, सो ये बॉडी नहीं की थी, इसको कर लेते. नेक्स्ट जो बॉडी दे रखी है दैट इज यूनिसिट्रल. यूनिसिट्रल की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जो कमीशन है ट्रेड से संबंधित जो लॉज बनाता है. अब यहां पे अगर आप इस बॉडी की बात करो, सो ये जो बॉडी है ये यूएन का ही एक सब्सिडरी बॉडी है. मेन बॉडी इसमें नहीं है यूएन की, सब्सिडरी बॉडी है जो 1966 में गठन की गई थी. ये आपकी एक कोर लीगल बॉडी है जिसका लीगल स्टेटस है. इसका मतलब दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉ. ये बॉडी ने एडॉप्ट किए थे आर्बिट्रेशन एंड रिकंसाइलेशन लॉज कि किस तरह से दो जब लोगों के बीच में लड़ाइयां होती हैं तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है. यूएन जनरल असेंबली क्या बोलता है? यूएन जनरल असेंबली एक मॉडल लॉ और रूल्स बनाता है उन केसेस में जहां पर कुछ लॉज आपके बाहर निकलते हैं, झगड़े होते हैं रिलेटेड टू सम ट्रेड, जैसे कि इंडिया और अभी वोडाफोन के बीच में हुआ, इंडिया एंड कैरन कंपनी के बीच में हुआ, राइट? अब इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किया यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स आर्बिट्रेशन रेजोल्यूशन के, इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं किसमें? आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1966 के अंतर्गत. ऑल्दो इसको बहुत बार अमेंड किया गया है, सो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें दो बॉडीज जो हैं वो क्या कर सकती हैं, आपस में कभी भी झगड़े हो रहे हैं उसको सॉर्ट आउट किया. मतलब बेसिक मोटा मोटा आपको ये याद रखना है, ये आपका यूएन जनरल असेंबली का पार्ट है, ठीक है, जो कि आपका एक सब्सिडरी बॉडी है उसकी. और इसका काम क्या है? कंसाइलेशन का काम है, आर्बिट्रेशन का काम है, मेडिएशन का काम है, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना आपको, ठीक है. चलो अब हम आते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर्स के ऊपर बेस, ठीक है. चलिए, अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स है उसमें सबसे पहली जो न्यूज आइटम है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू ईएसजी. किसी ने सुना है ईएसजी फंड्स के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट ईएसजी फंड्स? यस और नो? ESG फंड्स जो है वो आज की डेट में काफी पॉपुलर हो रहे हैं. ICICI ने भी इसको लॉन्च किया है. ये आपके एक तरह से म्यूचुअल फंड्स होते हैं. क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर लाइक अ म्यूचुअल फंड्स. और म्यूचुअल फंड्स तो सबको पता है, मैंने बहुत बार क्लास में एक्सप्लेन किया है. सो ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं जहाँ पे E स्टैंड्स फॉर व्हाट? इकोनॉमिक, सॉरी इन्वायरमेंटल, हरे भरे, है ना, हरे भरे म्यूचुअल फंड. S stands for what? Social. And D stands for what? Green.
सो ये आपके ऐसे फंड्स होते हैं जो कि किस सॉरी ग्रीन नहीं गवर्नेंस आएगा, एनवायरमेंट ऑलरेडी आ गया गवर्नेंस. सो ये कैसे फंड्स होते हैं जो कि किससे डील करते हैं, सो एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस से डील करते हैं. सो ये एक तरह से म्यूचुअल फंड्स हो गए, जैसे नाम बता रहा है कि जो कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे. विच विल फोकस ऑन व्हाट, विच विल फोकस ऑन हाउ वी कैन मेक द इन्वेस्टमेंट मोर रिस्पॉन्सिबल. कि ऐसा तो नहीं है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको किसी गलत काम के लिए यूज किया जा रहा है, गलत काम इन द सेंस कि इन्वायरमेंट को खराब करने के लिए. क्या हमारे म्यूचुअल फंड में इतनी क्षमता है कि वो जो है कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस. सो दिस इज द थिंग विच इज रिलेटेड टू ESG फंड. अब ये डिफरेंट है फ्रॉम वॉट, फ्रॉम दी अदर फंड्स. कैसे? सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो होता है कंपनी के नॉर्मल फंड्स, जो कि ठीक है कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये कंपनी के अंदर उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हों, सोसाइटल बेनिफिट प्रोजेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड गवर्नेंस रिलेटेड हो. मतलब हाउ वी कैन इम्प्रूव दी कॉरपोरेट गवर्नेंस, बिकॉज कॉरपोरेट में भी एक गवर्नेंस होती है, कॉरपोरेट में भी एक कल्चर होता है जिसमें इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस आ जाती है. क्या वो कॉरपोरेट एम्प्लॉय फ्रेंडली वर्क कर रही है, वो आ जाती है गवर्नेंस में. क्या वहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस में और क्या कुछ आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि क्या कॉरपोरेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी सोसाइटी. सो यहाँ पर इसके अंतर्गत भी वही आता है, ESG फंड्स में क्या आ जाता है कि जो भी आपकी कंपनी है, कंपनी के अच्छे के लिए जो है अच्छी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन जो नॉर्मल फंड्स होते हैं उसमें पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है. सो द की डिफरेंस बिटवीन ESG फंड्स एंड द अदर फंड्स इज कंसाइंस. दैट इज कि जो किसके ऊपर फोकस करते हैं ESG फंड्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे, उन प्रैक्टिसेस पे जो कि इथिकली बिजनेस ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस है, या फिर एम्प्लॉय फ्रेंडली रिकॉर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच दे टॉक अबाउट. और इसको जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है तो इसको कौन रेगुलेट करेगा, दिस इज रेगुलेटेड बाय SEBI. और जो पहला ESG फंड रिलीज किया था वो किया था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज. ठीक है, SBI, मैग्ना, ESG फंड इस नाम से था, SBI मैग्नम ESG, एक मिनट, इक्विटी भी था, इक्विटी ESG फंड. ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग. सो यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट में किसी का कोई भी डाउट है, एनी डाउट इन द फर्स्ट वन? अच्छा, लास्ट एग्जाम 27 को है, ओके. शेडो ऑफ सक्सेसफुल ड्रीम्स, गुड मॉर्निंग यार. जितने लोग एटलीस्ट वीडियो को वॉच कर रहे हो उतने लोग तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. सो यहां तक किसी का कोई भी डाउट है, रीड कर लो इसको जल्दी से, कोई डाउट है यू कैन आस्क. चलिए, ग्रीन झंडी मिल गई आपकी साइड से आगे बढ़ने की, चलो. नेक्स्ट इज अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन. अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, सो दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस. ठीक है, अब यहाँ पे किसके लिए है, अंडर वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. सो यहाँ पे इन दो पॉइंट से आपको ये पता लग गया कि दिस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर व्हाट, कि जो भी आपके SC यूथ हैं उनके संग एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट किया जा सके. ठीक है, उनके संग एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट किया जा सके. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव. सो इसका आइडिया क्या है,
एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना अमंग द एससी यूथ्स, स्पेशल प्रेफरेंस दिव्यांग लोगों को दी जाएगी. व्हाट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव? द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन आइडियाज को सपोर्ट करना, एटलीस्ट 1000 इनोवेशन आइडियाज को सपोर्ट करना, राइट. टिल 2024, कब तक? 2024 तक उसको सपोर्ट करना, ठीक है, जिसमें उनके लिए प्रॉपर जो होते हैं ना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर भी उनको हेल्प की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, वो हेल्प करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्टअप आइडियाज को प्रमोट करना, ठीक है. फोर्थ इज, और जहां पे इक्विटी सपोर्ट की जरूरत होगी वो की जाएगी, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू व्हाट? वेंचर कैपिटल. सो वेंचर कैपिटल को सेट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? पैसे की. सो इक्विटी सपोर्ट यहाँ पे प्रदान की जाएगी. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज कि स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज लेके आने, और उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने इनोवेटिव आइडियाज के कि अगर ऐसा आइडिया मेरा इम्प्लीमेंट होता है सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग मतलब होता है ना एक अच्छा रिटर्न लेके आना. बिकॉज अर्लियर हम लोगों ने डायरेक्टली ट्रांजिशन कर लिया फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द सर्विस सेक्टर, बट नाउ व्हाट वी वॉन्ट कि हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे जाए. बिकॉज सर्विस सेक्टर के कारण, आपको भी पता है व्हाट इज देयर बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है. सो उन अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट मिले, इसीलिए वी वॉन्ट समथिंग लाइक दिस कि जिसके तहत इनको इम्प्लॉयमेंट मिल सके. मीन्स दे शुड क्रिएट द इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम सेल्फ एज वेल एज फॉर अदर पीपल. सो यहाँ तक इसके जो है ये समझ में आए, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? ऑब्जेक्टिव्स में किसी का कोई भी डाउट है? एनी डाउट इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट? सो इसको इंप्लीमेंट किया गया है बाय वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससीज, जिसको सेटअप किया गया था 2015-16 में. सो ये कोई न्यू नहीं है, इस डेट को याद, मतलब ईयर को याद रख लेना, बिकॉज यूपीएससी कई बार ईयर्स पे कंफ्यूज कर देते हैं कि नया सेटअप किया गया. नहीं, ठीक है, 500 करोड़ की इसमें फंड है. 117 कंपनीज जो हैं उनको सेंक्शन ऑलरेडी कर दिया गया है. अब जो यूथ है कि कौन सा यूथ यहाँ पे चूज किया जाएगा, हमने किया ना एससी यूथ को यहाँ पे किया जाएगा. सो हाउ द यूथ विल बी सिलेक्टेड, दिस विल बी आइडेंटिफाइड. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को जीते हैं, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्टअप इंडिया हार्डवेयर किया है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा. इनोवेशन आइडियाज किसके ऊपर फोकस होने चाहिए? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होने चाहिए सोसाइटी की, एंड दे शुड फंक्शन थ्रू दी सीएसआर. सिग्निफिकेंस क्या है? इनोवेशन प्रमोट करेगा ताकि वो जॉब सीकर से क्या बन, जॉब सीकर से बन जाए जॉब गिवर्स, जो मैंने बताया कि खुद जॉब्स क्रिएट करें. जल्दी से एक बार इन सब पॉइंट्स को रीड कर लो, देन वी विल मूव फर्दर. हैव अ लुक, फिर हम आगे मूव करते हैं. एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स में इंडस्ट्रियल कल्चर को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. जल्दी से रीड कर लो, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. टेक
Technology Business Incubators is a full form of TBIs. Technology Business Incubators is a full form of TBIs. So, have you read the information? Koi doubt? हाँ, TBIs मैं बता रही हूँ, technology incubators जो मैंने आपको बताया, business incubators, it is a full form of TBIs. ठीक है? कोई और doubt? किसी का कोई और डाउट है? आई होप यू हैव रेड. चलो, सो इसके फीचर्स क्या हैं? 1000 जो आपके एससी यूथ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा 2024 तक, और उनके आइडियाज को जो हैं थ्रू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स, राइट. उसके बाद फंड किया जाएगा, 30 लाख रुपए दिए जाएंगे इन 3 ईयर्स एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट. इक्विटी होता है जब आप ओनरशिप में इन्वेस्ट करते. जो भी सक्सेसफुल वेंचर्स होंगे उनको 5 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे. पहले उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 30 लाख. कि 30 लाख में आप कुछ अच्छा करके दिखाइए. अगर वो 30 लाख में अच्छा करते हैं तो उनको अपडेट किया जाएगा 2-5 करोड़. आई होप यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा, या है किसी का? किसी का कोई डाउट है यहां तक? यहां तक किसी का कोई भी डाउट है? चलो, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो जो ट्राइबल लोग हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप किया जाए, इससे संबंधित प्रोग्राम है. एक मिनट आप ये करो, इसका क्वेश्चन काफी अच्छा है. आप एक मिनट रीड करो. कैपिटल गेन ही होता है. देखो, वेंचर कैपिटल में क्या होता है कि आपको पार्टनरशिप होती है, राइट. जैसे कि आपको सपोज अगर आपके बिजनेस में किसी ने मान लो 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, तो वो आपका लाइफ टाइम आपके बिजनेस में 50% का पार्टनर रहता है. सो उसको यहाँ पे ये कैपिटल गेन हुआ कि उसको 50% की रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है. तो इतना समझ में आया मोशिन आपका? देखो, अब आइडियाज कैसे सिलेक्ट होगा कैसे नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर कमेटीज बैठेंगी, वो डिसाइड करेंगी किसका आइडिया सबसे बेस्ट है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, ठीक है. ऐसे रैंडमली नहीं डिसाइड होगा, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा. क्लियर है अब? चलो, सो अगेन, ट्राइबल लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए लेके आया गया है. तो ये ज्वाइंट वेंचर है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ISOCAM. ISOCAM की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. सो इसका मेन काम क्या है? देखो, आपको पता है ट्राइबल लोग काफी पिछड़े लोग हैं सोसाइटी में. सो दीज ट्राइबल पीपल, दे आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड 2 टाइम मील्स. सो काफी ज्यादा पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं बहुत सारे लोग. सो यहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनके इंश्योर करने के लिए ये स्कीम लेके आई गई है. बिकॉज दीज ट्राइबल पीपल, दे लिव इन वॉट? दे लिव इन फॉरेस्ट. एंड ये हाथ से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं.
सो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप अगर स्ट्रेंथन अप होगी तो एटलीस्ट दे विल गेट समथिंग टू सर्वाइव. बिकॉज यहाँ पे अगर आप ट्राइबल इश्यूज की बात करोगे ना, विच वी यूजली टॉक इन सोसाइटी पार्ट, सोसाइटी में हम बात करते हैं ट्राइबल इश्यूज एंड ऑल की. सो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं सोसाइटी में कि ये जो पीपल हैं ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे ये आइसोलेटेड होते हैं. मोर ओवर कई लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट के बिल्कुल इंटरनल में रह रहे हैं, वहाँ तक कई लोग पहुँच भी नहीं पाते एंड दे डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल. इनके इश्यूज को हम जब मेंस का स्पेसिफिक टॉपिक सोसाइटी कवर करेंगे तब करेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रख लेना कि इनके बहुत सारे इश्यूज हैं. ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इनको इंटीग्रेट करना इट्स नॉट दैट इज. सो व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि यार ये लोग जो हैं एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू अफोर्ड देयर, मतलब अपना पेट भर सकें और अपने अंदर जो है अगेन फ्रॉम जॉब सीकर दे विल बिकम जॉब गिवर. सो दे हैव लॉन्च द स्कीम दैट इज ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. और आपको भी पता है इससे क्या कौन सा कल्चर प्रमोट होगा, आत्मनिर्भर भारत, है ना. वी टॉक अबाउट व्हाट, वी टॉक अबाउट आत्मनिर्भर भारत, तो वो कल्चर यहाँ पे प्रमोट होगा. सो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था की बात करी गई, एसो कैम्प. सो व्हाट इज एसो कैम्प? सो ये आपका एक ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया का. इसमें क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बात की जाती है कि किस तरह से आप इंटरनेशनली जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं. सो ये आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों के साथ डील करता है, ट्रेड बैरियर्स को कम करने की बात करता है. ठीक है, सो दिस इज अ थिंग. सो जल्दी से एक बार इसको पढ़ लो. तो कुछ और अच्छा इनोवेटिव आइडिया सोचो मोशिन, ठीक है ना, और बेहतर इनोवेटिव आइडिया सोचो ताकि वो इम्प्लीमेंट हो. यार जो लोग वॉच कर रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू पाकर हनी. ठीक है, पोकर हनी और पाकर हनी, व्हाट इज इट? सो ये भी आपका ट्राइबल अफेयर का ही पार्ट है. बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ट्राइफेड के थ्रू व्हाट दे विल सेल पाकर हनी. नाउ व्हाट इज देयर इन द पाकर हनी? ये आपका 100% नेचुरल हनी होता है. मीन्स ये आपका बिल्कुल फ्रेश नेचुरल हनी है, जो डाबर वाबर का आप देखते हो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है, बट ये 100% फ्रेश हनी है, जो कि किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, संथल ट्राइब्स के द्वारा. और एक और ट्राइब्स है जिनका नाम है पहाड़िया ट्राइब्स ऑफ पाकर झारखंड. अब देखो हर साल यूपीएससी ट्राइब्स पे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ये ट्राइब कौन सी स्टेट में पाया जाता है. सो यहाँ पर आपको समझ में आया कि कहाँ से आते हैं, संथल ट्राइब्स आ गया. तो लोकेशन फाइंड करो, वेयर आर संथल ट्राइब्स लोकेटेड. पहाड़िया ट्राइब्स आ गया, तो पहाड़िया ट्राइब्स कहां से हैं, लोकेशन फाइंड आउट करो, राइट? सो ट्राइबल जो संथल कम्युनिटी है पाकर डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने इस जो उन्होंने क्या किया था, आपको पता है हनी कहां से कलेक्ट होता है, उसके लिए मक्खियां रखनी पड़ती है, ये वाली, ठीक है, मधुमक्खियां जिसको हनी बीज बोलते हैं, उनकी उसके बाद कल्टिवेशन होती है, वहां से आप हनी निकालते हो. सो पाकर हनी के अंदर क्या है, 100% नेचुरल हनी है. इन्होंने जो ट्राइब्स थी इन्होंने इन मक्खियों को पाला, इनसे जो है हनी एक्सट्रैक्ट किया. सो ये आपका प्योर हनी है जो कि फ्लावर्स फ्लोरास एंड ऑल से कलेक्ट किया जाता है. एंड यार जो भी प्योर हनी होता है ना उसमें अपनी ही एक उसकी क्वालिटीज होती है, जैसे कि इट इज़ लाइक अ वेरी गुड सोर्स एंटीऑक्सीडेंट. बिकॉज आपकी बॉडी में ना ये क्या करता है, ये बॉन्ड्स को ब्रेक, मतलब जो फ्री ऑक्सीजन होती है ना उसको. अब एजिंग क्यों होती है? एजिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स, फ्री ऑक्सीजन. सो यहाँ पे ये एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. जैसे ग्रीन टी इज एंटी ऑक्सीडेंट, कि जो भी ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल्स घूम रही है उनके साथ पेयर कर लेता है. सो एजिंग नहीं होती है जल्दी, राइट? आपके बॉडी में, मतलब आप कहते हो ना कि ये हीरोज जो हैं यार ये तो इतने यंग दिखते हैं, वो इसीलिए यंग दिखते हैं बिकॉज दे कीप ऑन यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. उसके बाद विटामिन्स
न्यूट्रिएंट्स एंजाइम का रिच सोर्स है. टू डिफरेंट टेस्ट में अवेलेबल होगा, क्रंच एंड द मल्टी फ्लोरल. मल्टी फ्लोरल जो होगा वो वाइल्ड कैटेगरी होगी. ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू द पाकर हनी. नेक्स्ट अगेन न्यूज रिलेटेड टू ट्राइब्स, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस. हाँ हनी बीज तो यार काट जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना. किसी को काटे हुए हनी भी यहाँ पे? मेरे को तो काटा यार, बहुत बार काटा है हनी भी. हनी भी वास बहुत बार काटा. ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का मतलब क्या हुआ? ट्राइबल इंडिया, जहाँ पे उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे वो ऑनलाइन अपनी चीज़ों को बेच सके. ऑल्दो हमने एक बार डिस्कशन भी किया था लेकिन अब आ गया तो इसको फिर से डिस्कशन कर लेते हैं. सो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की वेबसाइट पे जाओगे, ट्राइफेड इंडिया की वेबसाइट पे, यू विल फाइंड कि वहाँ पे ना अलग अलग ट्राइब्स अपना अलग अलग सामान बेचते हैं, एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया. जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट इज प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस, वैसे ही इनका भी मार्केट प्लेस है. एंड यार यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, सो दीज थिंग्स आर व्हाट, प्योर नेचुरल है ना, कोई उसमें मिलावट नहीं होती है. थोड़ी कॉस्टली होती है बट नेचुरल होती है. सो यहाँ पे जो ये ट्राइफेड के ट्राइब्स इंडिया जो है वो एक ई मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा है. पहले ट्राइफेड की थी, अब ट्राइब्स इंडिया लेके आ रहा है. अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो सबसे बड़ी, वो तो छोटी थी, इट इज़ दे आर लॉन्चिंग द बिगेस्ट ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस. ये लॉन्च करी गई थी कब? October 2, 2020. ठीक है, 2 अक्टूबर 2020 को. इसका एम क्या है? इसका एम है 5 लाख ट्राइबल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लिस्ट करना ताकि वो अपनी चीजें बेच सके. जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, उसको बेच सके, सिर्फ इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी बेच सके. इसके लिए जो है ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का गठन किया गया. सो यहाँ पे हु कैन सेल द थिंग्स, कोई भी ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू चीज़ें बेच सकते. अब देखो ट्राइबल्स को तो इतनी नॉलेज नहीं होती है ना कंप्यूटर्स एंड ऑल की. सो व्हाट दे कैन अप्रोच, दे कैन अप्रोच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनके बदौलत वहाँ पे चीज़ें अपलोड कर देंगे, फिर जब पैसा मिल जाएगा बेच के तो वो पैसा ट्राइबल्स को दे देंगे. ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे होगा थ्रू एसोसिएशंस एंड ऑल. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस क्या होगा? एटलीस्ट इनको पैसा मिल जाएगा एंड यहाँ पे दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, तो बीच में मिडल मैन नहीं है. और क्या होगा? जो चीजें हैं वो थोड़ी ऑथेंटिक है. ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है क्या कि जो ट्राइब्स इंडिया है उसने अमेजोन सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया. ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप को प्रोग्राम है. किसके साथ? अमेजोन के साथ, जिसमें ट्राइब्स इंडिया जो है अपने प्रोडक्ट्स बेचेगा थ्रू दी अमेजोन. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल को बेचा जाएगा अमेजोन. बिकॉज आपको पता है इंडिया में यार इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, वेयर हाउसिंग बहुत मुश्किल है, स्टोरेज इश्यूज आते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी रिजॉल्व बाय इट. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू एम्पावर मेनी पीपल इन इंडिया. बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप को एम्पावरमेंट मिलेगी. ये यहीं पे स्टॉप करेंगे बिकॉज यू हैव अ क्लास ऑफ पवन सर एज वेल. सो व्हाट इज ट्राइफेड? ट्राइफेड एक बॉडी है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ये काम करती है. ठीक है, हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में. काम क्या है? नाम से ही काम पता लग रहा है, ट्राइबल लोगों के भले के लिए काम करना. क्या काम करना? ट्राइबल लोगों के भले के लिए काम करना कि किस तरह से उनको सोशियो इकोनॉमिक उनकी डेवलपमेंट की जा सकती है. राइट, फंक्शंस क्या है? जो भी उनके फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको यहाँ पे बेचना. ठीक है, उनको यहाँ पे बेचना, रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट करना, ये इसका. सो यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं. जो नॉन वुड, मतलब वुड की बात नहीं करी जाती है, जो नॉन वुड छोटे छोटे और प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है नॉन वुड, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसमें
सारे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट आते हैं जहाँ पे लकड़ी का काम नहीं है बेसिकली. इसमें बैम्बू, केन, लीव्स, गम, वैक्सेस, डाई, रेसिंस, ये सब आ जाते हैं. नट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, हनी सब आएंगे. अब इनका बहुत बड़ा ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं फूड, फ्रूट्स, वेज, मतलब ये सब, मतलब आप यू कैन से कि सब लोग, सब चीज़ें इसमें आती हैं जो कि वुड की कैटेगरी में नहीं है. याद रख लेना नॉन टिम्बर फूड्स आएंगे, ठीक है, बिकॉज कई बार वो पूछ लेते हैं, तो याद रखना नॉन टिम्बर फूड्स आएंगे, ठीक है. यहां तक थी ये ट्राइबल वाली डिस्कशन. किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? हाँ, कॉस्टली होते हैं. नहीं नहीं नहीं, मिडल मैन नहीं होता इसमें. इसमें डायरेक्टली भी अपडेट कर सकते हैं वो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं. मिडल मैन नहीं होता इसमें. और बताइए व्हाट यू पीपल वांट टू आस्क, बिकॉज मैं भी ना, मतलब मेरे को बहुत पसंद है ट्राइबल एरियाज में जाना. आई बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें पढ़ते ही सब कुछ है. सो वेन एवर आई स्पेशली आई गो टू साउथ, वहाँ पे तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो आई यूज टू विजिट देम. वहाँ पे भी बहुत चीज़ें महंगी मिलती हैं. वहाँ पे आई बॉट कॉफ़ी भी एक बार लेके आई थी मैं, हनी भी लेके आई थी, वो था एक शरबत टाइप्स थी, दो तीन टाइप्स की वो लेके आई थी. बट सीरियसली दो थिंग्स आर एक्सपेंसिव. चाहे आप डायरेक्टली उनसे भी ले लोगे ना, मतलब वो ट्राइबल लोग ही लग रहे थे जिनसे मैंने लिया था, एंड दोज थिंग्स वर एक्सपेंसिव. बस ये थे दो तरह के ट्राइबल्स होते हैं. एक होते जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, एक जिस थोड़े नॉलेजेबल होते हैं. भाषा तो मुझे उनकी समझ में नहीं आ रही थी, बट उन्होंने बताया कि इतने रुपए का प्रोडक्ट है एंड ऑल दैट. सो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सो दोज पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आवर यूट्यूब चैनल. ये वो टेस्ट कर लेना, कल लास्ट डेट है टेस्ट की, ठीक है. पहला टेस्ट ज्योग्राफी का था, मुझे पहले ये था इकोनॉमी का होगा, बट उन्होंने गलती से ज्योग्राफी का अपडेट कर दिया. सो सेकंड टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमी का होगा. पूरा फुल सिलेबस टेस्ट है, मतलब ये मत समझना कि इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स पे टेस्ट दिया गया, फुल सिलेबस टेस्ट. एनीवन वांट्स टू आस्क एनी अदर थिंग? तो एंड करें क्लास को, चलिए तो क्लास को एंड करते हैं. जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और एंड में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलना. बाय बाय.